नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। महाराष्ट्र के अंदर जो घटनाक्रम चल रहा है और जिसके एक नाथ नाथ बनकर के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर किसका हाथ है, कौन उनके ऊपर दीनानाथ है, एक नाथ के ऊपर दीनानाथ कौन है, ये अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। आधी रात को ऐसा घटनाक्रम चला और किस तरह से चक्रव्यूह बनाई है, यह खबर हमने आपको कल भी दिखाई थी, लेकिन कई सारी चीजें अब छन करके सामने आ गई है। इसलिए बारीकी के साथ में एक एक खबर, पूरा एक एक पैंतरा जिस तरह से अपनाया गया है, वो सब जो है वो हमने इकट्ठा किया है और अगले 10 मिनट के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति का प्लस माइनस आपके सामने रहेगा। आप देखिए किस तरह से जो है वो पूरा एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है। जिस वक्त में बैठक हो रही थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की उद्धव ठाकरे की मुंबई के अंदर, उस वक्त में यहां पर जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में मुलाकात के लिए बैठक तैयार की जा रही थी। अब मैं आपको खबर दिखाता हूं, ये आप देखिए, आपके सामने कई सारे स्क्रीनशॉट हैं। आज तक चैनल ने जो है इस खबर को कवर किया है और आज तक चैनल ने बताया है क्या हुआ है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। सबसे पहले रात को 9 बजे जो है वो मुंबई से इंदौर के लिए एक प्राइवेट जेट निकलता है देवेंद्र फडणवीस का, मुंबई से चलते हैं इंदौर के लिए। जबकि अगर मुंबई से सीधा अगर वो वडोदरा जाते तो दूरी पड़ती मात्र 361 किलोमीटर और एक घंटे में पहुंच जाते, लेकिन उन्होंने उल्टा रास्ता पकड़ा, वो जाते मुंबई से इंदौर। अगला स्क्रीनशॉट आप देखिए, मुंबई से वो इंदौर जाते हैं। इंदौर मुंबई की दूरी है वह 507 किलोमीटर और फिर वो जाते हैं इंदौर से वडोदरा जिसकी दूरी है 277 किलोमीटर, यानी करीब जो है वो 778 किलोमीटर का सफर तय करते हैं 361 किलोमीटर का सफर तय करने की बजाय। और ये किस लिए किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर अब सब पार्टियों ने अपने अपने एजेंट छोड़े हुए हैं और उन एजेंटों का ध्यान जो है वो इसलिए नहीं जाए कि यहां से प्राइवेट जेट निकल रहा है, उस प्राइवेट जेट के अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो वो प्राइवेट जेट सीधा क्यों जा रहा है। ये इंदौर भेजा गया और इंदौर से फिर वडोदरा जाता। अब तीसरा तस्वीर आप देखिए, तीसरी तस्वीर देखिए, रात को 10:30 बजे, वहां से 9 बजे वो निकले थे, यहां से रात को 10:30 बजे गुवाहाटी से एक प्राइवेट जेट निकलता है और वो प्राइवेट जेट पहुंचता है दिल्ली के अंदर। कितने बजे? रात को 12:30 बजे, 2 घंटे बाद में। और यहां से 15 मिनट बाद में, दिल्ली से 15 मिनट बाद में दूसरे कंपनी का प्राइवेट जेट, उस प्राइवेट जेट को नहीं लाया जाता है, दूसरी कंपनी का प्राइवेट जेट पकड़ करके एकनाथ शिंदे वो पहुंचते हैं वडोदरा के अंदर। और यहां पर वडोदरा में अब जरा स्क्रीनशॉट आप देखिए, अमित शाह वडोदरा के अंदर ही मौजूद थे कल रात को जो एक खबर सामने आई है, आज तक चैनल ने जो है इस खबर को ब्रेक किया है। परसों जो है वो अमित शाह वडोदरा के अंदर ही मौजूद थे और इस बात की खैर अभी पुष्टि नहीं हो पाई, आज तक चैनल ने भी पुष्टि नहीं की है कि इन तीनों के अंदर मुलाकात हुई है क्या। यहां पर वडोदरा के अंदर तीनों मौजूद थे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह, तीनों मौजूद थे, लेकिन क्या तीनों की मुलाकात हुई, इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन आप जरा सोचिए, दिमाग पर हल्का सा जोर दीजिए, बहुत ज्यादा जोर की आवश्यकता नहीं है। आप ये बताइए कि अमित शाह जिस शहर के अंदर मौजूद हैं और उस शहर के अंदर मीटिंग हो रही है, वो खामोखा हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं, उस मीटिंग के मायने होंगे। आपको मालूम है अगर ये मीटिंग वहां से फोटो वीडियो अगर वायरल हो जाते और अमित शाह अगर वहां पर जबरदस्ती वहां पर वायरल हो जाते तो फिर सोचिए देवेंद्र फडणवीस पर क्या फटकार लगते और उनके कितने पर कतरे जाते। देवेंद्र फडणवीस भी जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं फूक फूक करके कदम रख रहे होंगे और इसीलिए जो है वो जाहिर तौर पर सोच समझ करके रणनीति के तहत पूरा किया गया होगा, पूरी रणनीति के तहत जो है वडोदरा को जो है यहां पर चुना गया होगा। और वडोदरा में अमित शाह का एक प्रोग्राम था, अमित शाह सर्किट हाउस में रुके हुए थे। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में भी जरा आप समझिए, इतना आसान नहीं इस गणित को समझना।
इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये होता है कि जिस जेट से, जिस प्राइवेट जेट से वो दिल्ली गुवाहाटी से और दिल्ली आते हैं, एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से और दिल्ली आए जिस प्राइवेट जेट से, उस प्राइवेट जेट से वो वडोदरा नहीं आए, दूसरे से आए। अब उसके बाद में जिससे आए थे दिल्ली से और वडोदरा जहां पर आए थे, उस प्राइवेट जेट को भी वापस भेज दिया गया ताकि किसी को यह ना लगे कि यह प्राइवेट जेट इतनी देर तक क्यों ठहरा रहा, उसको वापस भेज दिया गया। और फिर उसके बाद में एक घंटे तक मीटिंग होती है। इस बात की पुष्टि जो है वो आज तक चैनल ने की है कि एकनाथ शिंदे और यहां पर देवेंद्र फडणवीस के बीच में एक घंटे के करीब की मीटिंग होती है एक 5-स्टार होटल के अंदर। अब आप बताइए कि यहां पर अगर ऐसी मीटिंग हो रही है तो क्या बात थी। जाहिर तौर पर फोन को लेकर के सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन सबको मालूम है फोन कितना सुरक्षित है, इसीलिए जो है वो यहां पर फेस टू फेस मुलाकात की गई है। और इस फेस टू फेस मुलाकात में क्या कोई कागज भी आदान प्रदान किए गए हैं, क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर जो है वो उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ कागज पहले से शिंदे के पास में थे, या कुछ और पहले की प्लानिंग या यहां पर समर्थन देने की एकनाथ शिंदे की और यहां पर जो है देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनाने की रणनीति तय हुई है, कौन कौन सा मंत्रालय, कितने मंत्रालय चाहते हैं, ये सारी बातें हुई है क्या। एक घंटे तक आखिरकार दोनों के बीच में अगर मुलाकात होती है, दोनों इतना जो है घुमा फिरा करके रूट बना करके आते हैं, तो जाहिर तौर पर चाय पकौड़े खाने के लिए नहीं आए होंगे। कोई ना कोई ऐसी बात हुई है कि आप बाहर से समर्थन देंगे, अंदर से समर्थन देंगे, या इस्तीफा देकर के बीजेपी के अंदर ही शामिल हो जाएंगे, या हम आपको मुख्यमंत्री बनाए, आप हमको मुख्यमंत्री बनाए, कौन कितने किसके मंत्री बनेंगे, ये सारी बातें ऐसा लग रहा है कि तय हो गई है। और फिर छोड़ दीजिए उन बातों को कि बीजेपी कहती है कि हम साथ नहीं है, हम ये नहीं है, हम ये नहीं है। अब उसके बाद में आप देखिए, उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में फिर ये होता है कि वडोदरा से जो है ये दोबारा से दिल्ली आते हैं। वडोदरा से यहां पर जो है वो एकनाथ शिंदे दोबारा दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आने के बाद में 4 बजे फिर दिल्ली से दोबारा से ये जाते हैं गुवाहाटी के लिए, और फिर करीब जो है 7 बजे करीब ये गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। यहां पर समझने वाली जो बात है ना, वो समझने वाली बात ये है कि चोरी छिपे रात के अंधेरे में जो चीज की गई है उसमें निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलिए कि सफेद नहीं है, ये काली चीज है। इसीलिए रात के अंधेरे में, रात के काले में ये सारे खेल जो है रचा गया है। और दूसरी बात ये हुई है, अमित शाह वहां पर मौजूद होना और अमित शाह के मौजूदगी में उसी शहर में होना, ये आप समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जितना ये जो जिक्र हो रहा है इसमें देवेंद्र फडणवीस का ज्यादा जिक्र नहीं था। पिछले जब से 20 जून से जब से इसकी शुरुआत हुई है, आज 26 जून हो गया है, 6 दिन हो चुके हैं इसको, तो 6 दिन में देवेंद्र फडणवीस का नाम कहीं पर नहीं है। और अमित शाह से बढ़िया बार्गेनिंग, अमित शाह से बढ़िया मीटिंग और कौन कर सकता है। तो इसलिए घूम फिर करके आप इस बात को तय कर सकते हैं कि जाहिर तौर पर मीटिंग के अंदर ये तीनों मौजूद रहे होंगे, जाहिर तौर पर जो बात हुई होगी वो सरकार बनाने बिगाड़ने, मंत्रालय देने लेने, और उसके बाद में कितना फिर आगे पीछे। और देखिए मैं लगातार आपको कह रहा हूं, ये सारा प्रकरण जो चल रहा है, ये सारा प्रकरण चल रहा है हिंदुत्व के लिए, हिंदू वोटों के लिए चल रहा है। क्योंकि इस वक्त में महाराष्ट्र के अंदर 2 पार्टी हैं जहां पर हिंदू वोट बंटते हैं, शिवसेना और बीजेपी। क्योंकि समाज देखिए, आप कितनी चीजों को अलग अलग करके दिखाइए, कहिए कि जात धर्म पर बात मत करिए, इस पर बात मत करिए, लेकिन जब वोट की आप परसेंटेज को निकालेंगे तो अंत में यही चीज निकल करके आती है, और इसीलिए पूरा प्रकरण चल रहा है। तो बहरहाल चीजें निकल करके बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई है, और अब आज का दिन हो या कल का दिन हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि 27 तारीख यानी कल को सोमवार 5 बजे तक का समय दिया है कि 16 विधायक अगर नहीं पहुंचे, और उसमें एकनाथ शिंदे का भी नाम है, अगर ये 16 विधायक डिप्टी स्पीकर के पास में नहीं पहुंचे तो इनको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, फिर खेल खत्म हो जाएगा। और इसीलिए जो है जैसे ही ये स्पीकर ने वहां से अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव जो है भेजा, उसके बाद में तुरंत जो है मीटिंग होती है। तो कई सारी चीजें जो है वो निकल करके सामने आ गई है,
बड़ी खबर है और आसान भाषा में आप तक समझाने की कोशिश की है, लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन जो है वो आगे है, कौन पीछे है और क्या दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है, वो लोग समझ सके। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे ही अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर